नावाचं शूटिंग, फिल्मचं शूटिंग चाललं आहे, मराठी फिल्म आहे. आणि मुख्य म्हणजे मराठी फिल्मचे डायरेक्टर पण युसुफ भाई आहे, आणि मिश्राजी विमल मिश्राजी आणि विमल माथूर असे प्रोड्युसर आहेत. तर सांगण्याचा उद्देश असा की मराठी सोडून सगळेच वेगळ्या भाषेत लोक आहेत, परंतु ही गोष्ट खूप चांगली आहे. आणि मुख्य म्हणजे कलाकार चांगले आहेत. मला गोष्ट आवडली, माझा रोल पण आवडला. माझा रोल पुढाऱ्याचा आहे, अर्थात हे सांगणं चुकीचं आहे, कारण नेगेटिव्ह कॅरेक्टर आहे असं, म्हणजे त्याला ग्रे शेड आहे. परंतु मला ते करायला खूप आनंद वाटतो, याचं कारण आजपर्यंतची परंपरा आहे माझी निगेटिव्ह रोल करण्याची, त्यामुळे मला ही फिल्म करावीशी वाटली आणि त्यामुळे आज हेच शूटिंग झालं आहे. आज सीन असं झालं की एक मिनिट चालत, कारण का 4-5 सीन गेले हिंदी मध्ये चाहिए आपको या खाली नाही, ते बरेच वेगवेगळ्या प्रकारचे केलेत, वेगळ्या मूडमध्ये गेलेत आणि सीन चांगले झाले तसं वाटतं. दिग्दर्शकांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसतो मला, आणि मला असं वाटतं की सगळ्यांनीच याला प्रसिद्धी द्यावी. आणि चांगला फिल्म आहे अभया, ही लवकरच रिलीज होईल सगळ्या महाराष्ट्रभर. आणि आमचे प्रोड्युसर पण खूप मोठे आहेत, म्हणजे ते OTT करतायत, स्क्रीन करतायत. आता OTT विषयी जास्त काही माहीत नाही, कारण मी कामच केलेलं नाही OTT मध्ये. एकच फिल्म केली काहीतरी, वेबसिरीज केली की मंगलयान असं काहीतरी होती नेटफ्लिक्सवर, त्यामुळे मला फारशी काही त्यातली माहिती नाही. पण ही फिल्म जरूर बघण्यासारखी आहे आणि तुम्ही नक्की बघा सगळेजण. थँक्यू. For us, it's a big honor to have Mr. Mohan ji along with us. As you are aware that I'm from 1995, I'm in this industry. I've produced several Hindi movies and Telugu movies also. This is my first experience in a Marathi film. So, I'm very happy that Mr. Rupesh is helping me to do this, achieving this goal. And of course, Vimal ji is doing a fantastic job. Mohan ji has done a really brilliant job in this particular movie. I wish everybody very, very good and thank you very much. Yeah, basically, this is our second schedule. First schedule, we came before, as you came before, second schedule. Second schedule, Mohan ji has come and came and put 4 chaand on our film. We have convinced the sir to go to Pune and take it. We are grateful that Mohan ji has joined our team and did this wonderful job. Yeah, so thank you sir for coming and joining the Abhaya team. बाकी जल्दी है, हम लोग सेकेंड शेड्यूल ख़त्म करेंगे तो विल बी लाइक बहुत जल्दी फिल्म कंप्लीट भी करके रिलीज़ करेंगे. यूसुफ एज ए डायरेक्टर बहुत अच्छा काम किया, कैमरामैन हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ऑलवेज विमल जी सपोर्ट टू डू गुड प्रोजेक्ट एंड आई थिंक द एंटायर टीम इज़ वेरी वेरी गुड. थैंक यू. तो ये कहूँगा कि ये मराठी फिल्म जो हम लोग बना रहे हैं अभी, ये बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट है. अभी तक ऐसी मराठी फिल्म आपने देख रही होगी एंड ये बहुत ही थ्रिलर है, जो मराठी में अक्सर थ्रिलर फिल्म बहुत कम बनती है, बट हम लोग नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं, कुछ नया सोच लेकर आया है. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही हटके अब तक मराठी में सब्जेक्ट नहीं आया, तो वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं. और बहुत ज़्यादा आप देखोगे सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, और जैसे रुपेश जी ने कहा कि हम ये कैरेक्टर के लिए मोहन सर को ही चाहते थे, क्योंकि इस एज में इस लेवल के एक्टर मिलना बहुत मुश्किल है. अब इंडस्ट्री में बहुत अच्छे एक्टर नहीं है, और जितने सीनियर और जो अच्छा काम मोहन सर कर सकते हैं, तो ये कैरेक्टर में बहुत फिट थे. हमने इनको कन्विंस किया, हालांकि इंडस्ट्री में ज़्यादा काम नहीं करते, इंजॉइंग इज फार्म आउट एंड ग्रीनरी पुणे, बट हमने इनको कन्विंस किया कि साहब को करना है, तो ये मना नहीं कर पाए और स्पेशली मुंबई आए और शूट किया उन्होंने हमारे साथ. तो आगे मैम वेरी थैंकफुल टू मोहन सर कि इनको डायरेक्ट करना एक हॉनर है, बहुत बड़ी बात है हर डायरेक्टर के लिए, तो मैं इतना ही कहूँगा. और इसमें स्टार कास्ट बहुत अच्छा है, कमलेश सावंत है, गणेश यादव है, मोहन जोशी सर आ गए, तो उसका स्टार कास्ट बहुत अच्छा है, स्टोरी बहुत अच्छी है. और मराठी में अब तक ऐसी स्टोरी आपने देखनी होगी, तो मराठी में थ्रिलर नहीं बनते, बहुत कम बनते हैं,
अक्सर थायराइड देखी होगी, इमोशन स्टोरी देखी होगी, बट इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस स्टोरी। हाँ, इसको डबिंग होगी हिंदी में, तमिल एंड तेलुगु। क्या कहना चाहेंगे? जस्ट इतना ही बोलना चाहूँगा एंड थैंक यू टू माय डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, बिकॉज मुझे जो ग्राउंड स्टाफ या फिर जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और मेरी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, और एक डी ओ पी को उससे ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती। आई होप सो एंड इट्स वेरी गुड फॉर मी कि बिकॉज मेरा कैरियर स्टार्ट किया था मैंने मराठी फिल्म से, और पहली मराठी फिल्म में मुझे अवार्ड मिला था, और मेरी सक्सेस जर्नी जो है मराठी फिल्म से शुरू हुई, और आज मैं मोहन सर के साथ वापस जो है 11 to 12 ईयर्स वापस वर्क कर रहा हूँ, एंड इट्स सच ए प्लेजर टू बी वर्किंग विद हिम ऑलवेज, एंड जो हमारी इस टीम के साथ में जो हमारा एक्सपीरियंस है वो तो बाकी सब ने शेयर करी दिया सेम टाइम में, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑफ यू बिकॉज आपको गाए इसके लिए, थैंक यू सो मच। सर आप यहाँ पे सीनियर मोस्ट है, आप कब फिल्में कर चुके हैं हिंदी मराठी, अभी ऐसा कुछ लगता है आपकी कोई फिल्में या किसी किसी तरह की फिल्म आपको करनी है, कुछ मन में इच्छा है कि इस तरह की फिल्म? मेरी कोई इच्छा नहीं है, सब सब खत्म हो गई। और सर ने कहा आप टोटली सेटिस्फाई हैं बोर में? अभी थक गया हूँ मैं, 72 ईयर्स ओल्ड, तो अभी फिलहाल मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, ये फिल्म कर रहा हूँ इनकी वजह से कि अच्छी कहानी है, अच्छा रोल है, तो मैं कर रहा हूँ। आज का सीन सर का इंट्रोडक्शन सीन है सबसे पहली बात, पूरी जो फिल्म का जो मेन प्लॉट है वो इसी ट्रैक के ऊपर है, और वही ट्रैक हम लोग आज शूट कर रहे हैं, इतना ही है बस, यही मेन ट्रैक है जिसकी वजह से पूरी फिल्म के ऊपर पूरी फिल्म का पूरा ट्रैक उसी ऊपर। मोहन से लगता है ये देखने को मिला है कि स्किल्स काफ़ी मिलती है मराठी फिल्मों को भी हिंदी मार्केट में, जो पहले इतनी मिलती नहीं थी, तो फिल्में चलती भी है और कई कई हफ्ते चलती है, तो क्या एक बहुत बड़ा प्रवास मराठी फिल्मों ने तय किया है हिंदी मार्केट में, और क्या अच्छा प्रवास किया है और पॉजिटिव है मराठी में? अभी और थोड़ा शूटिंग बाकी है, अभी हम लोगों ने 30-40% कंप्लीट किया है, वी स्टिल हैव टू गो 1-2 शेड्यूल्स मोर, आई थिंक 2 महीना और लगेगा शूटिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।